नमस्कार, आप सबका न्यू टू जर्मनी पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेखा तिवारी जी हैं। डॉक्टर सुरेखा जी नमस्कार। डॉक्टर सुरेखा नमस्कार मनोविज्ञानी हैं और बेंगलोर में कार्यरत हैं। इनके बारे में आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेखा जी, हमारे पास YouTube प्लेटफॉर्म पर एक श्रोता ने लिखा कि वो 3 साल से यहाँ बर्लिन में है और उनको लगता है, मैं कहूंगी उनको लगता है कि उन वो जिस क्षेत्र में कार्यरत थी, यहाँ आने के बाद लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं और उनको वो कहती हैं कि उनसे कुछ और करने को कहा जाता है। आप उनको क्या जी, सलाह देंगी? वो कैसे आगे जाएं? आपके इस सवाल को मैं दो हिस्सों में बांटूंगी। एक वो जो वो महिला हैं और एक उनकी नौकरी। पहली चीज तो कोई भी व्यक्ति उसकी नौकरी नहीं होता है, वो नौकरी को करता है, करते जी कर्ता कर्म। तो जो करने वाला है उसके पास अपना एक स्किल सेट है, अपना एक उसके पास अपनी क्षमताएं हैं। उसको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी आती हैं, उसको वो ऐसी चीजें हैं जिसमें वो हमेशा बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे उसके पास बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसकी अपनी व्यक्तिगत संख्या, वो खुद को क्या समझता है, वो उससे परिभाषित होता है। उसकी परिभाषा ये है, मैं लेक्चरर हूं, मैं गायक हूं, मैं बहुत अच्छी मैं अभिनेत्री हूं, या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हमसे ये सवाल करेगा, हम सबसे पहले उसको सिर्फ एक जवाब देंगे कि तुम और तुम्हारा टैलेंट, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या आता है, तुम क्या जानते हो कि तुम्हें आता है, ये तुम्हारा धन है। चाणक्य ने कहा है कि एक विद्या ऐसा धन है जो आपसे कभी कोई नहीं ले सकता। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो आपका इस नॉलेज में होना चाहिए कि मुझे ये आता है। किसी के कम या ज्यादा आंकने से हम कम या ज्यादा नहीं होते, पहली चीज। उसमें दूसरी किसी भी चीज, मूल्यांकन का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी मूल्यांकन का प्रभाव आपके अपने होने पे नहीं पड़ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अपने मूल्यांकन में अगर आप रोज एक दिन और आगे नहीं गए, जिंदगी की सिर्फ एक रूल है कि जिंदगी चलायमान है। आगे धक्का मार के चलाओगे तो आगे चलेगी, चाहे चलना रोकोगे तो पीछे चलेगी। तो आपको अगर गाना भी गाना आता है तो गायक भी कहते हैं कि रोज रियाज करो, राइट? अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, आप 6 दिन गाड़ी मत चलाइए, 7वें दिन आप कंट्रोल्स को सोचने लगते हो, कहाँ पे क्या था, भूल गया। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आपको अपनी बढ़ोतरी की तरफ नजर रखनी चाहिए पहले। क्या आपने आज कल से कुछ ज्यादा सीखा? हर रोज रात को सोने से पहले अगर एक सवाल किया जाए खुद से, क्या आज का दिन मुझे कुछ नया बता के गया? और अगर हर रोज इसका जवाब हाँ आए, तो आप बहुत अच्छी गति में और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो हाँ, क्योंकि पहली चीज, तो लाइफ स्थिर हो जाएगी। स्थिर और ले एक चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन लाइफ। जिंदगी का बदलना ही उसकी स्थिरता है, जीवन परिवर्तन ही जीवन का है। तो वो या तो आगे जाएगा या वो पीछे जाएगा। तो आगे जाने के लिए आपको अपने आप में कुछ सजग रहना पड़ेगा कि क्या मैंने कुछ नया सीखा, क्या मैं नया सीख सकती हूँ। अगर मुझसे ये कहा जा रहा है कि तुम ये पार्ट शायद ठीक नहीं कर पा रही हो, तो क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उस टैलेंट को और आगे बढ़ा सकती हूँ? जी तो कहीं कहीं सबसे पे हम यही पहले खुद कम कर देते पे, हैं। खुद कहीं पे काम कहीं करिए। कहीं कहीं हम क्रिटिक्स को बड़े गलत रूप में ले लेते हैं और क्रिटिक्स ही हमें बढ़ाने के लिए शायद आगे काम कर सकती है। कबीर ने बहुत पहले कहा था, निंदक नीरे राखिए। अगर आपके क्रिटिक आपके साथ हैं, तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। जो कहते हैं ना, फेलियर इज द बेस्ट टीचर।
तो अगर आपको ये लगता है कहीं पे कि कोई आपकी क्षमता को समझ नहीं पा रहा, या आप उसको समझा नहीं पा रहे, या आपको लगता है कि वो नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चीज हूं, तो कहीं प्लीज क्वेश्चन करिए कि क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो उसको समझ नहीं आ रही। और अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है तो लाओ इसको भी इस्त्री करके निकाल देते, एक और सिलवट निकल जाएगी, एक और बढ़ोतरी हो जाएगी, एक और कदम ऊपर की तरफ चलेंगे, सबसे बड़ी बात है कुछ और नया सीखेंगे। एकहार्ट टोले ने एक बहुत अच्छी कहावत कही है कि एक दिन तुम अपने जितने भी लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम गलत हो या तुम कम हो, एक दिन तुम उन सबको धन्यवाद करोगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम किसी और जगह जाओगे जो तुम कभी नहीं जानते थे कि तुम जा सकते हो। तो ये तो हो गई पर्सनल जर्नी। आपके सवाल के जो किरदार है जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है उनके लिए पहला तो ये क्षेत्र होगा, जिसमें मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि नहीं आप बहुत बढ़िया हैं और सबको नहीं समझ में आ रही। अगर समझ नहीं आ रही है तो शायद हम समझा भी नहीं पा रहे। तो चलो आओ एक नया प्रयत्न करते हैं हम अपने आप को समझने लायक बनने का। आओ दोबारा कोशिश करते हैं कि जो हम सीख कर आए थे वो तो हमें आता ही है, वो तो कोई ले नहीं सकता, चलो कुछ और सीखते हैं, चलो अपनी बास्केट में कुछ और फल रखते हैं ताकि वो धीरे 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 जो प्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा वैल्यूबल हो जाए, क्योंकि अच्छे काम करने वाले को कोई नहीं खोना चाहेगा। जी बस उसको उस वातावरण के अनुरूप थोड़ा ढालना होता है जिस वातावरण। अब रही बात, हाँ अब इसी इसी पार्ट का जवाब हम आपके ही क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में देते। एक हो गया एम्प्लॉय, एक हो गया एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय तो ये हो गया जिनको हमने ये कहा कि भाई अपने आप पे नजर रखिए, पहले आप सबसे पहले अपने से नजर मत हटाने दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशंस के ऊपर धीरे 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 करके खुद को कर बुलंद इतना भगवान, खुद आप बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि अपने आप को इतना ऊपर उठा लो कि आपको धीरे 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 ये कोई कह ही ना पाए या कोई सोच ना पाए कि इसको ये नहीं आता तो मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एम्प्लॉय। नाउ वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा सबसे पहला यहाँ पे देखिए, मैं एक रजिस्ट्रार रह चुकी हूँ। एक रजिस्ट्रार के अंतर्गत करीबन 150 इंटर्न्स होते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं। मैं आपको बहुत भली भांति ये बात बता सकती हूँ कि बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एज अ रजिस्ट्रार आपको समझ में आ जाता है। कोई आपसे कितना ही आके कुछ भी मैडम ये मैडम वो करता रहे 6 बार, लेकिन बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो को सिखाने पे बहुत बढ़िया काम करेगा, और कौन सा ऐसा है जिससे को काम ना दिया जाए तो बेहतर। बहुत जल्दी ये नजरिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप उस जगह होते हो जहां आपको काम संपूर्ण करने की जिम्मेदारी है। सुबह के राउंड चाहिए, शाम के राउंड चाहिए, मरीजों की देखभाल चाहिए, पट्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसी तरह से मैं एम्प्लॉयर्स के लिए भी यही कह सकती हूँ कि कोई एम्प्लॉयर कभी भी अच्छे वर्कर को नहीं जाने देगा। वो अच्छे वर्कर को अपनी तरह से ढालेगा, वो अच्छे वर्कर को अपने लिहाज में अपने फोल्ड में रखना चाहेगा, लेकिन वो अच्छे वर्कर को, क्योंकि दुर्गा के हाथ तो नहीं है ना, सारे काम तो नहीं खुद हो पाएंगे, उनको भी जरूरत है। अब अगर हम ये सोचें कि हर एक इंसान अपने अपना काम करने बैठ जाएगा, सब अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे तो खरीदने कौन जाएगा। तो इसलिए ये तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। तो ये दोनों को ही एक दूसरे के साथ जब सामंजस्य बैठ जाता है, देखिए ये एक हाथ है ये दूसरा, लेकिन अगर दोनों मिल गए तो मुट्ठी बन जाए, और जो ताकत इन दोनों की है यही टीम वर्क की ताकत होती है। लेकिन डॉक्टर सुरेखा एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, अब आपने कहा इधर टीम है और इधर हमारे वर्कर्स हैं, मतलब वर्कर्स हैं और इधर फैक्ट्री है जो भी है, लेकिन जब उनको यही नहीं पता हो कि हम आपस में साथ कैसे आएंगे जहां पे इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस की जरूरत हो, इनको नहीं पता है कि इनके साथ कैसे आएंगे, इनको नहीं पता है कि इनके साथ कैसे आएंगे, समस्याएं वहां पे हो जाती हैं। नहीं बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। एंड अगर हम देखिए इसके भी अलग अलग संदर्भ है, एक हो गया कि हम इंडिया के अंदर सपोज बड़ा अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन इंडिया के अंदर तेल मसाले दुनिया जहान की वो सब कलरिंग एजेंट पड़ती, वही आप सब कहें कि भाई इंडिया में बहुत बढ़िया कुक था, जर्मनी में पता नहीं मेरा खाना क्यों नहीं पसंद आ रहा। तो आपको जो डिफरेंस इन एनवायरमेंट है
उन डिफरेंस के अनुसार आपको अपने आप को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको अपने तरीके अपनी प्रेजेंटेशन को बदलना पड़ेगा जी। सिमिलरली आप कहते हैं जैसे मैं भी इस वक्त एक बाहर के देश में हूँ, यहाँ गाड़ी उल्टी चलाते हैं। अब मेरे को तो अपने देश में तो मैं फर्रांटे से चलाती हूँ, यहाँ पे तो मेरे पसीने छूटते हैं गाड़ी में बैठते समय, दरवाजा गलत खोल लेती हूँ किस तरफ बैठना है। तो इसमें मेरा टैलेंट पूल कम नहीं है और देश अपने रूल्स नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा कि यहाँ ड्राइविंग के रूल्स किस तरह से चल रहे हैं जी। तो और मैं जितनी जल्दी ये समझ लूंगी उतनी जल्दी मैं गाड़ी चला पाऊंगी जी। और ना, अब इसी को एग्जाम्पल डॉक्टर सुरेखा, यहाँ इंटरव्यू में जब हम इंडियंस जाते हैं, इंडिया में कल्चर है कि हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं इंटरव्यू में अपने बारे में, और यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो चीज पूछी गई बस उसका जवाब दो, और उसका जवाब 100% मतलब परफेक्ट बैठना चाहिए। ये नहीं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये कर सकते हैं तो आप बता रहे हैं नहीं नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ ये कर सकती हूँ। आपको सीखना होगा पहले कि इंटरव्यू कैसे होता है जर्मनी में, या हमारे यहाँ अलग जवाब चाहते हैं और यहाँ पे अलग जवाब चाहते हैं। तो जब तक हम यही नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे और कुछ नहीं कर सकते। नहीं अनन्या जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उससे ज्यादा बड़ी बात ये कि देखिए हर एक कंट्री और एक कंट्री की जो डिमार्केशन है या जो उसकी बाउंड्रीज हैं उसका कारण है, और हिंदुस्तान जैसे देश में तो हर एक बाउंड्री के बाद एक लैंग्वेज बदल जाती है। तो यहाँ तो आप इंटर कंट्री की बात कर रही हैं जहाँ पे कि कल्चर हिस्ट्री उनका काम करने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। तो ये फिर से, लेकिन मैं फिर से ये बोलूंगी कि जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो अगर ये जो महिला है, अगर जिनका भी ये सवाल है, अगर ये अपने ही बॉस के पास जाएं और उनसे सीखना चाहें कि भाई मेरे को यहाँ यहाँ पे परेशानियां आ रही हैं, मैं ये रोल चाहती हूँ लेकिन ये रोल मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताएं कि इस रोल की जरूरतें क्या क्या है। अगर उसमें कोई ट्रेनिंग जरूरत है तो आई एम वेरी श्योर की कंपनी ट्रेनिंग देगी। आज की तारीख में मैं देखती हूँ जितने भी नए ऑफिस खोल रहे हैं उन सब में एक प्रोसेस ऑफ इंडक्शन होता है। तो जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है वो होता ही इसीलिए कि आप एक कंपनी के कल्चर से चले आ रहे हैं, अब आपको एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है उसका कल्चर अलग है। तो हम आपको 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का इंडक्शन प्रोग्राम देंगे, उसमें आप समझ पाएंगे कि इस कंपनी की हायरार्की क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। हमारे यहाँ भाई मंथली चार्ज भरने पड़ते हैं, वीकली चार्ज भरने पड़ते हैं कि हफ्ते में आप कितने दिन आपने काम किया। तो लेकिन ये तब होगा जब कंपनी को वर्कर के अंदर जब हायर किया जाता है किसी को, तो आप ये देख के हायर करते हो कि अगर सपोज मेरी कंपनी है और मैं आपको नौकरी देना चाह रही हूँ, मैं आपको नौकरी क्यों दूंगी? क्योंकि मैंने आपके अंदर संभावना देखी। अब उस संभावना को यथार्थ में बदलना ये दोनों का काम है, सीखने वाले को सीखना होगा, सिखाने वाले को उतने ही प्रेम से सिखाना होगा जी। उसको ये सीखना चाहती उन दोनों को ये करना होगा क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत का आभास होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि नौकरी करने वाले को नौकरी की जरूरत है लेकिन आपको जरूरत नहीं तो आप क्यों रखोगे, लेकिन आपको जरूरत है दूसरा करना नहीं चाहता तो आप क्यों रखोगे। तो जरूरत दोनों की है, ग्रोथ भी दोनों की है और दोनों का सामंजस्य भी जरूरी है ये समझने में कि हमें इस चीज को बढ़ाने में हम दोनों की बढ़ोतरी है। कंपनी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय बढ़ेगा, एम्प्लॉय खुश रहेगा तो कंपनी बढ़ेगी। डेल कार्नेगी का एक बहुत पुराना कोट है कि ज्यादातर लोग नौकरी के पैसों के लिए तो नौकरी ले लेते हैं लेकिन जब उनको किसी प्रकार से उनकी प्रेरणा, उनको प्रेरणा नहीं दे पाते, कोई कंपनी ना दे पाए, मोटिवेशन ना दे पाए, या उनको कोई उनकी कंपनी जो है किसी तरह का एक रिकग्निशन ना दे पाए, ज्यादा लोग रिकग्निशन ना मिलने की वजह से छोड़ते हैं, पे छोड़ने की वजह से नहीं छोड़ते। ये डेल कार्नेगी की बहुत पुरानी कहानी जी। और उनका एक दूसरा कोट है कि जब हम काम करेंगे तब ही तो हमको इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा और पैसे मिलेंगे जी। इज्जत, रुतबे और पैसे के लिए हम काम करना शुरू करते हैं और जब काम से हमें तारीफ मिलने लगती है, अप्रिसिएशन मिलने लगता है, हमें रिकग्निशन मिलने लगती है तो हम और अपना काम बढ़ाते हैं। तो जो भी इन महिलाएं, इनको ये आप मेरी तरफ से जरूर कहें कि
कि खूब मन लगा के इनको जो काम दिया गया है उस काम को मन लगा के तन मन से जुट जाएं उसके अंदर, और फिर अपनी जो कुंठाएं हैं, अपनी जो उनके उनको लगता है कि अंदर कुछ संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं यूज नहीं हो रही है, तो वो उन संभावनाओं को लेकर अपने मैनेजमेंट के पास, अपनी एचआर टीम के पास जाएं और उनसे कहें कि मुझे लगता है कि मेरे ये वाले एरियाज भी बहुत अच्छे हैं, आप देखें अगर मेरे को आप ट्रेनिंग देकर इनमें भी लगा सके। तो इसमें दोनों की ग्रोथ है, इन महिला को कुछ नया आएगा एंड कंपनी एक अच्छा कमिटेड वर्कर नहीं खोएगी जी, एंड अल्टीमेटली फिर दोनों बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कंपनी को भी ये लगेगा कि ये कंपनी के हित में सोच रहे हैं, अगर वो नया बिल्कुल लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी का ऑनर बहुत खुश होगा। मैं क्योंकि मैं दोनों तरफ से हूँ, मैं एक ऑनर भी हूँ और मैं खुद एक वर्कर भी हूँ, बिल्कुल तो मुझे लगता है कि मैं दोनों की समस्याओं को समझ सकती हूँ इस समय। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मैं अपने बॉस के पास जाऊं और बोलूं तो वो बहुत खुश होंगे, वैसे ही मेरे वर्कर्स अगर मेरे पास आते हैं तो मैं भी बहुत खुश होंगी, कि क्योंकि मुझे लगेगा कि वो इस कंपनी को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और ये फीलिंग्स ही शायद एक ऑनर के लिए बहुत बड़ी फीलिंग्स बहुत 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 मूल्यवान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा, और हमारी श्रोता शायद वो सुन रही होंगी हमें इस समय। आई होप रियली मेरी तरफ से अगर वो मेरी ये बात सुन रही है तो मेरी आम सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप एक टैलेंटेड लेडी हैं, आप देश बदलने से आपका टैलेंट खत्म नहीं हो गया, आगे बढ़ती रहिए, काम करती रहिए, अपनी कंपनी के प्रति पूरी निष्ठा रखिए, और उस निष्ठा के साथ आपको बल मिलना चाहिए कि आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि आप कुछ और भी करना चाहती हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी। जी, बस अपने आप को नए परिवेश में ढालने की भी कोशिश करें और देखें कि इस मार्केट में आपकी जरूरतें कहाँ पे हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको आप नई नई ट्रेनिंग से सुधार लें कि आप यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएं, यहाँ की मार्केट के लिए फिट हो जाएं। तो शायद अगर वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहती हैं तो आपसे किसी भी समय कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, प्राइवेट कॉन्टैक्ट, और अगर आपको भी लगता है कि आपका भी प्रश्न यहाँ पूछा जाना चाहिए तो आप वेलकम है हमारे YouTube पोर्टल पे एक मेल डालने के लिए, हम आपके भी सवालों को आगे लेकर आएंगे डॉक्टर सुरेखा जी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा जी, आप छुट्टियों में होते हुए भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तहे दिल शुक्रिया। नहीं, बहुत मेरा प्लेजर, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद इस फोरम को शुरू करने का। अगर एक भी जिंदगी एक क्षण के लिए भी बदल पाए तो बहुत किया। यही आशा है कि अगर हम अपनी इस वार्तालाप से सिर्फ एक की भी मदद कर पाए तो वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं और अगले रविवार को फिर मिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।